बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। आज मैं स्किन को कुदरती तौर पर ग्लो करने की आसान और देसी रेमेडी बता रही हूँ। ये रेमेडी खुसूसन उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जिनकी स्किन बहुत रफ़ हो चुकी है या फिर बाजारी क्रीमें यूज़ करके चेहरे की वेंस नज़र आने लगी हैं या फिर चेहरे पर बदनुमा छाइयाँ हो चुकी हैं। ये कुदरती मास्क आपके इन तमाम मसाइल का ना सिर्फ एक हफ्ते में खात्मा करेगा बल्कि चेहरे को ग्लो भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मुफीद और मालूमती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इस मास्क को बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा दूध, 2 टेबल स्पून दूध कच्चा ही लेना है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर का रस, 2 टीस्पून। गाजर हर मौसम में बाज़ार में इजीली मिल जाती है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल, जो कि मैंने फ्रेश एलोवेरा लेकर ग्राइंड किया है, 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा, 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैदा। ये तमाम अशिया ना सिर्फ जिल्द को ग्लो करेंगी बल्कि चेहरे के मसाम बंद करके चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म कर देंगी इंशाल्लाह। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसे ब्रश की मदद से अपने फेस पर अप्लाई करें, 5 मिनट बाद इस पर दूसरा कोट लगाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मास्क सूख रहा है स्किन टाइट होना शुरू हो गई है। इसके बाद आपने करना ये है कि इस पर तीसरा कोट लगा लें और 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर 10 मिनट बाद सादा पानी से चेहरे को अच्छी तरह धो लें। ये मास्क आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको जिल्द के तमाम प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।